हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए हमारी खास वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की रेमेडी आपके लिए बहुत ही यूनिक होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको इस रेमेडी में बहुत ही अमेजिंग नुस्खा बताऊंगी कि आप अपने बालों को किस तरीके से झड़ना रोक सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसमें आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने बालों को धोइए और अपने बालों का झड़ना रोक दीजिए। मैंने इससे पहले एक और रेमेडी बनाई थी जिसमें सभी लोगों ने मुझे यही कमेंट्स किया कि ये तो बहुत अच्छा नुस्खा है, इससे हमारे बाल सच में लंबे घने हो गए हैं। मैं आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके उस वीडियो को देखिए। देखने के बाद कमेंट जरूर रीड कीजिएगा, क्योंकि सभी ने यही कमेंट्स किया है कि इससे हमारे बाल सच में झड़ना रुक गए हैं। फ्रेंड्स, आज जो समस्या सबसे ज़्यादा देखी जाती है वो है बालों का झड़ना, बालों का लंबा ना होना। ये समस्या आजकल के टाइम में हर व्यक्ति में देखी जाती है, क्या है वो छोटा हो क्या है वो बड़ा हो। और इसके साथ साथ हमारी छोटी उम्र में ही बाल बहुत जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी उम्र भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। और ये समस्या उन लोगों में सबसे ज़्यादा दिखाई देती है जो लोग दवाइयों का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, जिसकी वजह से बालों पर दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट्स होता है और बाल झड़ने लगते हैं। इसके अलावा बालों का झड़ना व गंजापन जेनेटिक कारणों से भी हो जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी रहता है। तो आज का जो नुस्खा है ये बहुत ही आसान सस्ता है, जिसके इस्तेमाल से आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और आपके बाल जो हैं बहुत तेज़ी से लंबे घने बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स इसको बनाना। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई अपनी नई वीडियो डालूँगी तो आप उसको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाय पत्ती की ज़रूरत होगी, जो हर किसी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं होगा जो चाय पत्ती का इस्तेमाल ना करता होगा। तो इसके इस्तेमाल से हमारे जो रूखे सूखे बाल हैं, दो मुँह के बाल हैं, वो इस चीज़ से दूर होगी। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रही थी कि मैम कोई आप एक ऐसा तरीका बताइए जिससे हमारे दो मुँह के बाल दूर हो जाएँ। तो इसको आप यूज़ करेंगे तो इससे दो मुँह के बाल भी ख़त्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप 2 चम्मच चाय पत्ती ले लीजिए। उसके बाद आपको इसे किसी बड़े बर्तन में डाल लेना है, जिससे कि आप इसको अच्छे से बॉईल कर सकें। उसके बाद आप इसमें 2 गिलास यानी कि 2 गिलास पानी डाल दीजिए। 2 गिलास पानी डालने के बाद इसको आप अच्छे से बॉईल कर लीजिए। मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ है पानी। ये मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी डाला था। आपको इसे कम से कम 3 मिनट तक बॉईल करना है पानी को, उसके बाद आप इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता तब तक आप इसको अपने बालों में इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे, उसके बाद आप इसको अपने बालों में इस्तेमाल करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब इसको पानी को स्ट्रेन करना है। तो यहाँ पे मैं छोटी कटोरी है तो इसलिए मैं आपको इसके अंदर करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपको सारे पानी को स्ट्रेन करना है, जिससे कि आप इसको सारे पानी को इस्तेमाल कर सकें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पानी को स्ट्रेन कर लिया है। उसके बाद हमें आधा नींबू लेना है, आपको आधा नींबू लेना है और पूरे पानी में यानी कि जो भी जितना भी पानी आपने अलग करा है उसमें एक नींबू पूरा निचोड़ दीजिए, ये देखिए इस तरीके से, और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच जॉनसन बेबी ऑयल। अगर आपके पास जॉनसन बेबी ऑयल नहीं है तो आप इसकी जगह कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जॉनसन बेबी ऑयल और कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये ऑयल बहुत हल्के होते हैं, जिससे कि हमारे बालों में लगने के बाद ये चिपचिपाहट नहीं होने देंगे। तो अब हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है, ये देखिए इस तरीके से। मैंने आपको इतने पानी में करके दिखाया, लेकिन आपको 2 गिलास पानी पूरे में इस तरीके से करना है, यानी कि नींबू निचोड़ना है, उसके बाद ऑयल मिक्स करना है। तो ये अब अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो गया है और तैयार भी हो गया है। तो मैं आपको इसे बता देती हूँ कि आपको इसे किस तरीके से लगाना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपने बालों को शैम्पू से धो लीजिए, जिससे कि आपके बालों में जो भी ऑयल है या फिर जो भी डर्ट है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद आप अपने बालों में से शैम्पू को अच्छी तरीके से धो लें, जिससे कि आपके बालों में कोई भी शैम्पू ना हो, ताकि आपके बालों की जो जड़ें हैं वो खुल जाएँ। उसके बाद आपको करना क्या है, जब आप अपने बालों को अच्छे से पानी के द्वारा धो लेंगे तब आपको इस पानी का उपयोग अपने बालों में करना है, यानी कि इसको आप अपने बालों में अच्छे से लगा लीजिए, स्कैल्पर अच्छे से लगाना है आपको। लगाने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए बालों में इसे लगा रहने दें। उसके बाद आपको जब 5 से 7 मिनट हो जाए उसके बाद आपको इसे धो लेना है, यानी कि फिर दोबारा आपको पानी से धोना है। आपको उसके बाद शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आप पहले शैम्पू का इस्तेमाल कर चुके होंगे, तो इसको आपको सिर्फ और सिर्फ पानी से ही अपने बालों को धोना है। तो ऐसा जब आप करेंगे तब आप जब अपने बालों को धोएंगे तब आपको खुद ही महसूस होगा कि हमारे बाल कितने सिल्की स्मूथ हो गए हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने कोई कंडीशनर अपने बालों में कर लिया हो,
ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे पहले मैं एक और वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें सभी लोगों ने मुझे यही कमेंट्स किया कि ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, इससे हमारे बाल सच में बहुत लंबे घने हुए हैं। तो आप इसे वीक में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जब भी आप नहाएं तभी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप अपने बालों में इस 1 हफ्ते में ही आप इसका अपने बालों में रिजल्ट देखेंगे, यानी कि 2 से 3 बार के इस्तेमाल से फर्क देखेंगे। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेमेडी, आई होप आपको पसंद आएगी। तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई अपनी नई वीडियो डालूंगी तो आप उसको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।